जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 4 महीने हमारे पास बचे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट के पेपर है वो 17 मई को है और मोटे मोटे हमारे पास बचे हैं 4 महीने। तो जो कैंडिडेट जिनका सिलेबस अभी इतना कवर नहीं हुआ है, जिनकी थोड़ी थोड़ी तैयारी हुई थी, तो वो लोग कैसे अब 4 महीने में, क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए जिससे वह 4 महीने में अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सके, रिविजन कर सके और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास 4 महीने हैं। तो 4 महीने में आपको क्या करना है कि जो कैंडिडेट है ऑलरेडी GRF है और पिछला एग्जाम भी दे सके, उनका तो सिलेबस काफी बार हो चुका है, तो उनको यही करना है कि अपने पुराने सोर्सेज को रिवाइज करना है और अपनी तैयारी में एड ऑन करना है डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे आपने एंशियंट के लिए केवल अभी गाइड पढ़ रखी है, सौरभ चौबे पढ़ रखी है, तो आप थोड़ा केसी श्रीवास्तव देख सकते हैं, उपिंदर सिंह देख सकते हैं, या मिडिवल में आप ने कोई गाइड पढ़ी है, सौरभ चौबे पढ़ी है, तो आप हरीश वर्मा पे जा सकते हैं या सतीश चंद्रा पे जा सकते हैं। इसी तरीके से आधुनिक भारत में भी आप कर सकते हैं। और दूसरे वे कैंडिडेट जिन्होंने ज्यादा तैयारी अभी नहीं की है, नेट भी उनका भी नहीं हुआ है या दिसंबर वाला भी जस्ट नेट हुआ है, उनका सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे कि 4 महीने हमारे पास है, मंथ हमारे पास है, तो सबसे पहले ये करना है कि हमारे पास 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो हमें ये करना है कि पहले 2 महीनों में, यानी कि मिड जनवरी से, यानी 20 जनवरी से 20 मार्च तक 2 महीने में सिलेबस एक बार पूरा करना है। तो यानी 1 महीने में आपको पेपर 1 कवर करना है और 1 महीने में आपको पेपर 2 कवर करना है, और आपको अपने दिन को 2 भागों में बांटना है, जिसमें एक भाग में आपको पढ़नी है थ्योरी और दूसरे भाग में आपको करनी है प्रैक्टिस, यानी कि MCQs। केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें पता चलेगा जब MCQ आप सोल्व करोगे। तो MCQ किससे सोल्व करने हैं, जो मैंने बुक लिस्ट की वीडियो डाल रखी है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 में, उसमें मैंने बुक्स की भी चर्चा कर रखी है, और MCQ आपको कहां से करने हैं, प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, उसकी भी मैंने उसमें चर्चा कर रखी है। तो आप अगर 8 से 9 घंटे डेली पढ़ते हैं, और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, तो उनको इतना तो कम से कम बता रहा हूं मैं, आपको पढ़ना पड़ेगा अभी 4 महीने में, आपको सिलेबस अच्छे से करना है, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं कि 6 से 7 घंटे आप पढ़िए थ्योरी और 2 से 3 घंटे आप कीजिए MCQ। और अगर आप 2 घंटे में अच्छे खासे MCQ कर सकते हैं, प्रैक्टिस की आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप थ्योरी का टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, आप MCQ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थ्योरी पढ़ ली, लेकिन उसमें जो फैक्चुअल डेटा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें हमारी कमजोरियों का पता चलेगा, तो ये दोनों चीजें आपको साथ साथ चलानी है। तो आपको पहले 1 महीने में ये करना है कि पेपर 1 में प्राचीन, मध्यकालीन और इतिहास लेखन, इतिहास लेखन ये आप पहले 1 महीने में कवर कर लीजिए, यानी कि 20 जनवरी से 20 फरवरी तक। इसके बाद 20 फरवरी के बाद आपको क्या करना है, पेपर 2 में आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और राजस्थान का इतिहास, ये आपको अगले 1 महीने में करना है। आप पहले पेपर 2 भी कर सकते हैं, आप उसके बाद पेपर 1 भी कर सकते हैं, या आप मिक्स करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि जो मेरा कहने का पॉइंट है वो ये है कि आपको अगले 2 महीने में एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी आप बुक्स आपने फॉलो कर रहे हो, मैंने भी बुक्स बुक लिस्ट डाल रखी है, दूसरे टीचर से उन्होंने भी डाल रखी है, या आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो उसके नोट्स हो गए, जो भी सोर्सेज आप रेफर कर रहे हो, आपको ये करना है कि 2 महीने में एक बार पूरा आपको सिलेबस करना है, और जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज ले रखी है या कोई MCQ की बुक है, चाहे यूथ हो, अरिहंत हो, या और कोई दूसरी हो, अरिंद भास्कर की, विश्व इतिहास की MCQ की बुक आती है, तो आपने जो भी सोर्स ले रखा है वो सारा और आपकी थ्योरी 2 महीने में एक बार हो जानी चाहिए।
ऐसा करके हम आ जाएंगे 20 जनवरी से 20 मार्च तक। इसके बाद मोटे मोटे आपके पास 2 महीने बचेंगे। तो क्योंकि आपने एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया है, तो सिलेबस होने की वजह से आपकी थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम थोड़ा सा पहले नया नया पढ़ते हैं थोड़ी स्पीड स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे एक बार जब हम उस चीज को पढ़ लेते हैं या आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपकी स्पीड अगले राउंड के साथ बढ़ेगी। तो उसके बाद जब आप पेपर 1 और पेपर 2 2 महीनों में कंप्लीट करोगे, तो साथ में आपको ये करना है कि अपने नोट्स बना लें। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या आपको अगर नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है कि 4 महीने ही बचे हैं, नोट्स आप सही से नहीं बना सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको पढ़ते हुए आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लें कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलेगा। जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको आप साथ में हाईलाइट करते चले। तो हाईलाइट करने से ये होगा कि सेकंड राउंड जब आप करोगे तो आपके पास कंटेंट कम होगा पढ़ने का, तो आप रिवीजन जल्दी कर सकोगे। और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि एक बार नोट्स बनाओगे तो आपको टाइम जरूर लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन नोट्स से रिवीजन काफी जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें यहाँ डिस्क्लेमर एक है कि नोट्स बनाने के लिए आप अपनी जो सिलेबस कंप्लीट करने की स्पीड है उसको आप ज्यादा स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नोट्स बनाने से आपकी स्पीड काफी स्लो हो रही है और सिलेबस अगर टाइम पे पूरा नहीं हो सकता है, तो क्योंकि आपके पास 4 महीने हैं, तो वहां नोट्स को आप बच करके अवॉइड कर करके आप उसको हाईलाइट करके काम चला सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तो साथियों 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपको सेकेंड रीडिंग करनी है, यानी कि 2 महीने में आपने सिलेबस एक बार किया, उस दौरान आपने जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपने हाईलाइट कर दिए। इसके साथ आप एमसीक्यू कर रहे थे तो उससे आपको पता चल गया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने हाईलाइट नहीं किया, आप नोट्स प्रीफर करते हैं तो आपने नोट्स बना लिए, तो वो आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं 20 अप्रैल तक। अब जब 2 बार आपका सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद आप उस स्थिति में होंगे कि आपको कौन सी चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको याद नहीं रह पा रही है, कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको याद तो है लेकिन वो एग्जाम में नहीं आती है, वो सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपको कहां पे आप फोकस करना है। तो अंत का जो 1 महीना है उसमें आपको करना है कि अगर आपने नोट्स बना रखे तो उस नोट्स में से सेलेक्टिव पोर्शन जो आपको है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है वो आपको करना है। इसके अलावा काफी सारे डेटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो आपको तीसरी बार में बहुत फोकस करना है, डेटा पे या फैक्ट की मैं बात करूं तो उस पर फोकस करना है। जैसे कांग्रेस के सेशन हो गए, आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो क्रोनोलॉजी है, साल है, वो सारी चीजें, विश्व इतिहास से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, जैसे औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति में काफी सारे आविष्कार हुए अलग अलग, तो वो आविष्कार किसने किए थे, किस सन में किए थे, किससे जुड़े हुए वो आविष्कार थे। धर्म सुधार की हम बात करते हैं तो धर्म सुधार में मार्टिन लूथर से जुड़ी हुई घटनाएं की 95 थीसिस वहां कहां पे उन्होंने लटकाया था और कौन से ईयर में लटकाया था। इसके अलावा यूरोप के विभिन्न भागों में जो धार्मिक लोग थे, जैसे ज्विंगली की हम बात करते हैं, इन्होंने किस भाग में कौन से लोग थे, प्रोटेस्टेंट को स्विट्जरलैंड में क्या बोलते थे, फ्रांस में क्या बोलते थे। तो ये जो चीजें हैं याद करने वाली, उन सारी चीजों पे आपको यहाँ फोकस करना है। जब आप फर्स्ट बार में पढ़ रहे हो तो आप अपना बेस बना रहे हो, दूसरी बार में आप पढ़ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर रहे हो, तीसरे राउंड में आपको वो करना है कि जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपने आइडेंटिफाई की है उन सारी चीजों का आपको बार बार रिवाइज करना है। यानी कि 17 मई को सब्जेक्ट का एग्जाम होने से पहले आपका सिलेबस 3 बार कम से कम हो जाएगा, और अगर आपने इससे पहले सिलेबस कर रखा है तो आपका सिलेबस उससे ज्यादा बार हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए एक बार सिलेबस ऑलरेडी कर चुका रखा है या 2 बार आपने सिलेबस कर रखा है तो वो 1 या 2 बार के सिलेबस आपका ऑलरेडी होगा, और इसके बाद 3 बार आप सिलेबस आप बचे हुए 4 महीनों में कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपका सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार हो जाएगा, जो कि मोर देन सफिशियंट है। इतना रिवीजन करने से, क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्ट्री एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है तो डेटा याद रखने के लिए उसका मल्टीपल रिवीजन ज्यादा जरूरी है, तो आपको यह करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको करना है। और एक बात ध्यान रखिए कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड कर लीजिए, जिन लोगों का अभी ज्यादा तैयारी नहीं हुई है तो उन्हें ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, कोई भी एक सोर्स डिसाइड कर लीजिए कि मुझे प्राचीन भारत यहाँ से करना है, मध्यकालीन भारत यहाँ से करना है, आधुनिक यहाँ से करना है, इतिहास लेखन यहाँ से करना है। मैंने भी बुक लिस्ट डाल रखी दोनों पेपर की, इसके अलावा दूसरे टीचर्स हैं उन्होंने भी बुक लिस्ट डाल रखी है, तो आपको जो बुक पसंद आए आप वो रेफर कर सकते हैं, आपको नोट्स कोई अच्छे लगे आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ज्यादा भी तैयारी नहीं है वो मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाए, वो ज्यादा से ज्यादा
रिविजन पे फोकस करेंगे, कम से कम आपका सिलेबस 3 बार हो जाए ऐसे सोर्स से आप लें। इसके साथ साथियों, जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी अच्छी तैयारी है, जो JRF है, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था या इंटरव्यू तक भी हो गए थे, तो वो लोग अपने सोर्सेज को रिवाइज करते रहे, लेकिन साथ में ध्यान ये रखिए कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें अगर आप एड ऑन कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और वो अच्छी चीज भी होगी। जैसे पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं पेपर वन की बात करूं, तो जनरली जो कैंडिडेट होते हैं वो सौरभ चौबे या आर्य की गाइड पढ़ते हैं पेपर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत इत्यादि के लिए। तो जब वो पेपर आया था तो प्राचीन काल के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे 50 में से जो आर्य में कवर थे ही नहीं, मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आर्य से नहीं आ रहे थे। तो जो कैंडिडेट है जो केवल फैक्चुअल डेटा पे ध्यान दे रहे थे तो उनके मार्क्स उसमें कम हुए, क्यों? क्योंकि वो फैक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे और आर्य को वो पढ़ रहे थे। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके सिलेबस अच्छा खासा हो चुका है वो अपनी तैयारी पे एड ऑन कर ले। जैसे प्राचीन भारत के लिए आपने पहले कोई भी बुक पढ़ी हो, आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उनको आप केसी श्रीवास्तव से देख सकते हैं। आप मध्यकालीन भारत के लिए जो समाज है, अर्थव्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है, उनको आप हरीश वर्मा से कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक प्रमाणित पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें होने से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपने क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी आपने गाइड्स पढ़ रखी है या जो सौरभ चौबे जैसी बुक्स पढ़ रखी है तो वहां से आपके फैक्ट कवर है, तो आपको एक एनालिसिस करने का एक माइंड डेवलप होगा। तो एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में, जनरली पेपर फैक्चुअल आता है लेकिन कुछ सेक्शन होता है जहाँ थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी में एड ऑन कर लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो यानी आप जो कैंडिडेट है सबको ये ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ 4 महीने है उसमें कम से कम 3 बार आप सिलेबस रिवाइज कर लें, थ्योरी और MCQ दोनों पर ध्यान दें, और MCQ के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज रेफर कर सकते हैं वो मैंने बुक लिस्ट के साथ भी बताया है। मैं अलग से एक वीडियो इस पे और अपलोड करूंगा कि MCQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं, वो एक मैं डिफरेंट उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि बुक्स या टेस्ट सीरीज सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आपको जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोग मन लगाकर अपनी तैयारी करें और सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए ताकि इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया, और इसी तरीके के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।